हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। संसद परिसर से सामने आई मुलायम साक्षी की खुशनुमा तस्वीर। गाड़ी से जा रहे मुलायम का साक्षी ने रोककर पूछा हाल। खुश मुलायम ने रखा कंधे पर हाथ तो साक्षी ने पकड़ लिया हाथ। बारिश से बचते हेमा फारूक की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर छाई। राजनीति के मैदान सभाओं में जहां राजनेता एक दूसरे पर हमला बोलने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं, वहीं जब सांसद बनकर एक दूसरे के आसपास रहते हैं तो ऐसे कई मौके आते हैं जब ये लगता ही नहीं कि ये वही हैं जो एक दूसरे पर आरोपों के तीर छोड़ते देखे और सुने जाते हैं। कई ऐसे वाक्य हैं जिनमें अलग अलग पार्टियों के सांसद आपस में गहरे दोस्त हैं और कई ऐसे हैं जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए लेकिन पुरानी पार्टी में भी उनकी दोस्ती बरकरार है। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कभी एक दूसरे के साथ ही थे लेकिन वक्त के साथ दोनों के राजनीतिक रास्ते अलग अलग हो गए, लेकिन दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान आज भी बाकी है। पिछले दिनों संसद भवन परिसर की एक तस्वीर सामने आई जिसमें राजनीति के धुरंधर मुलायम सिंह यादव और भाजपा सांसद साक्षी महाराज साथ साथ दिखाई दिए और वो भी बहुत ही गर्मजोशी के साथ। साक्षी महाराज का पहले मुलायम सिंह यादव को गुजरते देखना, फिर उनसे मिलने के लिए रुकना, उस पर मुलायम सिंह यादव का रिएक्शन बहुत कुछ हुआ एक तस्वीर देखने के बाद। हुआ यूं कि मुलायम सिंह यादव संसद भवन से जा रहे थे, वो अपनी कार में बैठे हुए थे, तभी वहां मौजूद भाजपा सांसद साक्षी महाराज का दिल अपने पुराने साथी मुलायम सिंह यादव से हालचाल जानने का हुआ। तो जैसे ही मुलायम सिंह की कार साक्षी महाराज के पास रुकी तो उन्होंने तपाक से मुलायम सिंह का हालचाल जानने के लिए उनकी सीट की तरफ अपना सर झुका दिया और गाड़ी में बैठे हुए मुलायम सिंह यादव से उनका हालचाल पूछा। अपनी आदत के अनुरूप मुलायम सिंह यादव ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए खुशी का इजहार किया तो साक्षी महाराज ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। इस लम्हे को एक कैमरामैन ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और ये तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलायम और साक्षी की ये तस्वीर काफी चर्चा में रही और सभी ने इस मुलाकात पर बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इसी तरह संसद की एक और तस्वीर काफी चर्चा में चल रही है और काफी पसंद भी की जा रही है। ये तस्वीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद और कश्मीर राजनीति के खाटी नेता फारूक अब्दुल्ला और अभिनेत्री व भाजपा सांसद हेमा मालिनी की है। जिस दिन की ये तस्वीर है तब हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हेमा मालिनी हाथ में छाता लिए हुए थी। वहां फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे और बारिश से बचने के लिए हेमा मालिनी की छतरी के अंदर खड़े होकर बारिश से बच रहे थे। ये तस्वीर भी काफी चर्चा में रही और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। मुलायम साक्षी और हेमा फारूक की इन तस्वीरों की जहां अपनी अहमियत है, वहीं एक संदेश भी है कि हमारे ख्याल एक दूसरे से ना मिले ऐसा होना नेचुरल है, लेकिन हमारे दिल ना मिले इसकी गुंजाइश कम होती है। इस बात को समझने के लिए अजीम शायर डॉक्टर बशीर बदर का ये शेर कहना लाजमी हो जाता है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हों।